तो उनकी बाइक की चाबी चोरी करनी कल कर चोरी करके चोरी करके हाय राम। <laughs> मतलब बचपन से ही डेरिंग थी बाइक को ले जाना सामने हाँ। के चल चलते हैं। उनकी चाबी निकालनी और निकल पड़ना तो जिस दिन निकाली थी उसी दिन मार पड़ गई पहले दिन ही गए पहले दिन ही पटाखे सारी मोहब्बतें एक तरफ और बाइक पे ट्रैवल करने की मोहब्बत एक तरफ ये मोहब्बत नहीं एक्चुअली में एक नशा है ट्रैवलर्स का नशा हर महीने ले लगा कि पहाड़ों पे भाग जाते हैं मेरे साथ एक ऐसी ही बाइकर हैं जो कि एक आ, आ, बाइकर चिक है एक्चुअली इनके इंस्टाग्राम बायो के अकॉर्डिंग प्रीति चौधरी प्रीति वेलकम टू टीवी थैंक यू सो मच सो कब से ये मतलब ट्रैवल कर रही है बाइक पे पंद्रह uh, साल हो गए पंद्रह साल पंद्रह साल में कहा घूमे पहले तो जम्मू की सड़कों में ही घूमे हाँ। उसके बाद जब होश संभाला जब लगा कि अभी सड़कों पे जा सकते हैं और पहाड़ों पे घूम सकते हैं फिर पहाड़ों पे घूमे लेह लद्दाख उत्तराखंड श्रीनगर जम्मू के इतने सारे एरियाज हैं जो लोगों को पता ही नहीं है वहाँ घूमे लाहौल स्पीति अच्छा और पैन इंडिया में कुछ कुछ चीजें हैं कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शायद बाइक के थ्रू नहीं बट बायर पहुंच के आगे वहाँ पे बाइक लेके घूमे आंडमानी को बात इतना क्या मतलब है कि जाना बाइक पे घूमना इतना क्या नशा जुनून है

में ही फॉल करती ज्यादा प्रेफर करती हूँ उसी में वहीं से आई हूँ अच्छा लड़कियों को सारे जोग भी बनते हैं कि बाइक चला रही हो स्कूटी चला रही हो ब्रेक से वो नहीं रोकती है पैरों से रोकती है ऐसे ऐसे करके तो जब आप ऐसी चीजें सुनती हो तो कैसा लगता है वो सच्चाई है कि, आ, ऐसा नहीं है कि सारे लोग सीधे ब्रेक से ही चलाना आते हैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी कोई लड़की या लड़का भी इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ड्राइव कर रहा होगा ज्यादा बाइक नहीं चलाई होगी स्कूटी नहीं चलाई होगी तो उनको लगता है कि ब्रेक उस टाइम दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है उनको लगता है पैरों से मशीन रुक जाएगी ये और हम गिरने से बच जाएंगे तो थोड़ी हंसी आती है बट ये मन में आता है कि यार इनको पहले अच्छे से सिखाया होता फिर सड़क पर चढ़ाते तो इनका इतना मजाक नहीं बनता तो अच्छा तो मतलब अगर आपकी बात करूं तो आप ऐसे ही हैं सीरियस है मेरे साथ स्पेशल कोई मेरी शक्ल खराब है मेरे साथ सीरियस हो <laughs> नहीं नहीं मैं ऐसी ही हूँ सीरियस जब बाइकिंग की बात आती है हा? तो तब सीरियस रहती हूं मैं सीरियस ही रहती हूँ बाइकिंग जब... के अलावा कुछ बात करें फिर फिर सीरियस नहीं रहेंगी नहीं 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 ऐसे मैं बहुत मजाकिया हूं बहुत जल करती हूँ सबके साथ बट ये कि जब इतना इम्पोर्टेंट चीज को डिस्कस कर है? रहे हो तो उसके सारे प्रोज कॉन्स देखने पड़ते हैं है? आप जो बातें कर रहे हो है? वो सोसाइटी में ऐसे प्रोपोगेट की जाती है जिसको बोलते ना कुछ ले लेते हाँ, कुछ भी देखो कुछ भी बोल लेते हैं।, हाँ, तो उस चीज़ को उसके क्या होते हैं वो सोच लेना चाहिए और वैसे ही आप उस चीज को प्रोपोगेट करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा बहुत बहुत सीरियस बातें हो रही मेरे को ऐसी बहुत डर सर लगता है अच्छा वो सब छोड़ो आज आपको हम नई जगह पे लेके आए हैं ये मैं नहीं टेक्निकली लेके आए मतलब जम्मू से सिर्फ ये तकरीबन आठ से दस किलोमीटर की दूरी जगह डिस्कलोज नहीं करेंगे वरना यहाँ पे गंद पाने आ जाएंगे लोग तो कैसा लग रहा है यहाँ पे

उस वो राइड करते करते क्या हुआ कि मैं लीड कर रही थी और मैं नॉर्मली बहुत ही स्लो बाइकर हूँ mm -hmm. मैं अपने शरीर को देख के अपनी कैपेसिटी को देख के ही बाइक चलाती हूँ mm -hmm. मुझे ऐसे छोटे बच्चों की तरह ये नहीं होता है कि एकदम हश में भागना है करके निकलना है वैसा नहीं है बड़े हाँ वो नहीं करना मुझे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि आ, कोई इस कोई हैपनिंग हो जाए तो मेरी बॉडी में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि मैं उसको संभाल सकूँ बाइक को बैलेंस कर सकू और ये छोटे बच्चों वाली चीज नहीं है सड़कों पर ऐसा काम करना तो मैं लीड कर रही थी उसको तो मेरी स्पीड बहुत कांस्टेंट ठीक रहती है नॉर्मल और पिछले मेरे मिरर में पिछली बाइकर जो है वो दिखते रहना चाहिए एकदम से किसी ने मुझे ओवरटेक किया और दो तीन लोगों ने ओवरटेक किया और फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स मेरे दिमाग से वो मतलब एकदम क्रॉस करके आगे हुँ। आगे हुँ। और आगे स्पीड ब्रेकर था तो मैं नॉर्मल स्पीड पर थी तो मैं हिट कर गई और मेरे पास डेजर्ट स्टॉम था फाइव हंड्रेड सी गिर गई तो उस टाइम तो मैंने बाय सारे राइडिंग गियर्स पहने हुए थे उसने पता नहीं चला काफी दूर तक मैं इसके छोटे तो नहीं नहीं कहीं भी नहीं उसके लगी डर लगा बाइक चलाने में नहीं उसके बाद आगे तो अभी यात्रा शुरू हो रही थी वो पहला दिन था राइड का अच्छा उसके तब भी चलती थी हाँ, वो बाइक थोड़ी सी थोड़ी सी क्या काफी खराब हो गई थी और जब मैंने दोबारा उठी तो बाइक सीधी सीधी की देखा मुझे कहीं चोट नहीं लगी है बिल्कुल तो माइनस चोट इंजरी थी जहाँ से मेरे राइडिंग आगे पीछे खिसके होंगे वहीं से मुझे चोट लगी हाथ बज के ग्लव्स पहने हुए थे तो जैसे मैं निकलने लगी आगे तो थोड़ी सी बाइक चला के मुझे पता चला कि इसकी अलाइनमेंट वगैरह खराब हो गई है चीजें ठीक नहीं है आपकी बात करें ना आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है माचो माचो वाली यू मतलब मतलब है हैव टू एक्सेप्ट दैट ठीक है तो इसके पीछे क्या रीजन है आप आपकी एक्टिविटीज़ आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करती हैं आप कैसे कपड़े पहनते हो क्या करते हो सोशल लाइफ में कैसे हो कैसी बिहेव करते हो लोगों के साथ और कितने रिस्पॉन्सिबल हो वो चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं आप कैसे कपड़े पहनते हो अगर चुलबुले छुई मुई टाइप आप बोलते हो हम मैं नहीं बोलता हम क्यों मतलब नॉर्मली ऐसा मेरे आपके शायद इंटरव्यूज में ही कहीं सुना हुआ है तो उसमें ये रहता है कि पापा की परियां हाँ। ज्यादा हर चीज में उनको डर लगता है कहीं जाना हो गर्मी लग जाए वो बड़ी गर्मी है हाँ। हर एक चीज का मतलब लड़कियों का मजाक बनाया जाता है अपनी अपनी सबकी पर्सनालिटी अब मैं इतनी बड़ी बाइक लेके निकलूंगी इतने बड़े बड़े जूते पहने हुए हैं इतनी बड़ी बड़ी ये जैकेट्स पहनी हुई राइडिंग ग्लव्स पहने तो कोई क्या बोलेगा ये तो नहीं नहीं ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों का मतलब इतना मजाक बनाया जाता है आजकल तो लड़कियों को मतलब ज्यादा हाँ, ही ये, ये बात सही है मगर हाँ, फिर भी कुछ एक लोग हैं वो तो कभी खत्म नहीं हो सकता है अगर गुड भी है तो बैड भी है वो तो वो हम मतलब फ्लॉज भी हैं

पहले दिन ही ब्रूम किया था ना तो मेरे दिमाग में था ये कितनी अच्छी चीज़ है ऐसे करो और मजा आ रहा है ऐसा करना है फिर उसके बाद तब मैं एट्थ की नाइन्थ में थी हुँ. तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे अकेले चलाने दो उन्होंने कहा ये तुम्हारा अपना शरीर देखो अपनी उम्र देखो अरे ये देखो स्कूटर संभाला जाएगा चलो एक काम करना इसको स्टैंड पे लगा के दिखा देना जिस दिन स्कूटर स्टैंड पे लग गया मैं चाबी दे दूंगा फिर गाँव तोड़ना कोई चक्कर नहीं स्टैंड नहीं लगा एक साल तक नहीं लगा। एक साल लग गया स्टैंड लगाना नहीं आया स्टैंड वो उठाया नहीं जाता था कि दिन कोई बहुत अच्छे हमारे प्यारा। मुझे कि कैसे होती, कैसे होता है और मैंने कैच कर ली फिर हा? मैं उतार चढ़ा उतार चढ़ा उतार चढ़ा दो तीन बार वो रिपीट किया एंड दिखा बुला बुला के दिखाया सबको घर वालों को देखो देखो मैंने चाबी मिल गई फिर स्कूटर में वो ऐसे करके क्लच डालना गियर हाँ। डालना और पैरों पे ब्रेक होती थी है है। वो सीख लिया फिर उसके बाद अब स्कूटर पे तो इतना वो थ्रिल मजा नहीं, नहीं आ रहा था बाइक भी होनी चाहिए तो फिर हमारे घर पे हमारे टेनेंट रहते थे वो भैया सुबह सुबह उनकी बाइक की चाबी चोरी करनी पल्सर चोरी करके चोरी करके हाय राम मतलब बचपन से ही डैरिंग थी अरे हां बाइक को ले जाना सामने की चल चलते हैं उनकी चाबी निकालनी और निकल पड़ना तो जिस दिन निकाली थी उसी दिन मार पड़ गई पहले दिन ही पकड़े पहले दिन ही पटाके हाँ नहीं पटाके नहीं मतलब हाँ। पहले ही कल्याण हो गया हम निकले राइट साइड करके आगे वापस जैसे वापस आ रहे थे सामने आ गए पापा तो फिर ना ब्रेक लगी ना कुछ तो ना कुछ तो फिर बाइक के साथ ही नीचे फिर एक थप्पड़ पड़ा जोर से फिर उसके बाद उन्होंने कह दिया कि भैया अपना चलाओ जो मर्जी करो टांगे तोड़ो किसी की बाइक को हाथ नहीं लगाना उसने एक चीज समझ में आगी कि, कि किसी की बाइक जब आप मांगते हो या किसी की बाइक चलाते हो तो ज्यादा खतरा रहता है और चोरी करके तो बिल्कुल उसके बाद आगे आज तो पंद्रह साल हो गया आज घर वाले क्या बोलते हैं अब घर वाले कुछ भी नहीं बोलते उनके लिए बड़ा कैज है अच्छा हाँ, हाँ। बाइक चला रहे हो या कहीं जाना है बस ये की कहीं जाना हो तो थोड़ा अभी भी कन्विंस करना पड़ता है जाने दो राइड पे यार जाने दो इतने लोग जा रहे हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं वाला घर वाले तो प्रोटेक्टिव होते हैं ना मतलब नहीं कुछ नहीं वाला तो उनको है खतरा कि कुछ नहीं होगा पता नहीं materna नहीं, तो नहीं नहीं materna ने उनको ऐसा दिमाग में उठाया हुआ कुछ नहीं वाला सीन नहीं है उनको बस होता है कि क्या करना है इतनी देर से कर ही जा रहे हो क्या मिल गया क्या करना है अच्छा दोबारा जाके क्या कर लोगे तो वो थोड़ा उनको कन्विंस करना पड़ता जाने दो जाने दो पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है या फिर और लड़कियां भी जा रही हैं या फिर और कोई ग्रुप जा रहा है या कोई थीम है। थीम जब उनको बोल के, है, रोड है, त्राफिक, त्राफिक, त्राफिक है, के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले बुला रहे हैं अच्छा तो जब मतलब आप बाइक पे निकलती है अगर जम्मू के मतलब रोडों पे निकलती है तो सबकी नजरें तो आप ये जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब मुझे लगता था लोग देख रहे हैं लोग देख रहे हैं लोगों ने देखा तो हाँ तब कॉलेज uh, में मतलब आज से कोई पांच सात सात नहीं दस साल पहले तब लगता था लोग देख रहे हैं लोग नोटिस कर रहे हैं तो आब... बाइक पे जा रही है अब बड़ा कैजुअल है सा, अब बड़ी सारी लड़कियां ट्रेन कर दी हैं बहुत सारी लड़कियां मानती हैं, तो हाँ, तो मतलब हैं कि कि अब सबको ये हो गया कि लड़की बाइक चला रही है बाइक के केस में लोगों को लगता है कि जान देखिए लड़की ने अपनी है कितनी कमजोर सी है या फिर कोई और ऐसा बहुत ही लेमिट सा कमेंट मार के बोलेंगे अभी गिर जाएगी देखना देखना अभी बजेगी अभी बजेगी अभी बजेगी रोड के ऊपर अभी पता चल जाएगा बड़ी निकली हुई थी तो ये इस चीज़ को वाइप आउट करने के लिए इस चीज़ को दूसरे एंगल से नहीं देखते हैं कि, कि लड़की अगर हिम्मत करके बाइक चला रही है इतनी हैवी और इतनी बल्कि मशीन चला रही है और अगर ठीक है कहीं कई बार हिट भी हो जाता है कई बार नहीं बैलेंस किया जाता है कंफ्यूज भी हो जाता है तो उसके बाद जब वो उसके बाद जो स्टिग्मा फेस करना पड़ता ना वो बंदे का मोरल तोड़ देता है, है। कुड़ी है दुबारा वो लड़की उठेगी नहीं कभी वो हिम्मत नहीं करेगी वो बाइक चलाने की या कोई भी ऐसा काम करने की वो पहला डायलॉग यही काम करने की बने दे के नहीं है तो और अपनी जान देखो वजन देखो अपना की दे बल्कि मशीन है और इसका वजन के साथ को लेने देना है जो तंदुरुस्त और तगड़ा बंदा है वो बाइक चला सकता है कमजोर बंदा बेचारा बाइक नहीं चला सकता और मैं एग्जाम्पल हूँ की मैं बहुत भी बाइक चलाती हूँ बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ये सोसाइटी में लड़कियों के बीच में भी है कि यार देखो लड़की है क्यों कर रही थी ऐसा जरूरी एक्सपेरिमेंट करना था अगर कुछ मिसहेपनिंग हो जाए तो यही होता है कि यार क्यों कर रही थी ऐसा नहीं चलानी चाहिए थी बाइक और बाकी जो सोसाइटी में इंकरेजमेंट होनी चाहिए लोग देख के अप्रिशिएट करें ना कि ये बोले अब गिरेगी अब देखना अब मारेगी पक्का पक्का अब मारेगी तो अगर ऐसे मतलब कोई लड़की हो जो बाइक सीखना चाहे तो आप उनको सिखाती हैं बिल्कुल पिछले दो तीन सालों से आई गेस 2018 में मैंने अपना वुमेन्स चैप्टर लॉन्च किया था अच्छा। बाइकर ब्रदरहुड मोटरसाइकिल क्लब मेरा अपना क्लब है और उसमें बहुत सारे जितने भी मेंबर्स हैं हमारे तो उसी बाइकर ब्रदरहुड का फीमेल चैप्टर हमने स्टार्ट किया था परेड कॉलेज में उससे एक राइड हमने ऑर्गेनाइज की थी जिसमें वुमेंस डे पे आठ मार्च वाले दिन हमने एक राइड ऑर्गेनाइज की थी जरूरी नहीं है इसमें सारी लड़कियां बाइक ही चलाएं अभी तक तो लोगों को प्रॉपर स्कूटी चलानी भी नहीं आती लड़कों को भी और लड़कियों को भी तो उनको प्रॉपर ड्राइविंग की स्किल्स ट्रैफिक के नॉर्म्स रूड सेफ्टी क्या होती है वो सारी चीज़ें हम कोशिश करते हैं अपने राइड्स के थ्रू उनको कन्वे करें तो ऐसे बड़ी सारी राइड्स हमने पिछले दिनों में की नहीं हैं दो से कंजेकेटिवली हम लोग तीन चार साल से राइड्स कर रहे हैं और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी हमारे साथ कोलाबरेट करके लड़कियों की स्पेशल सिर्फ एक्सक्लूसिवली इसमें बाइक चला रही हों स्कूटी चला रही हों और एक प्रॉपर फॉर्मेशन पे सड़क पे जा रहे हों तो वैसा वाला बड़ा सारा जो है माहौल हमने क्रिएट किया जम्मू में तो इसके अलावा मतलब बाइक वगैरह चलो ट्रैवलिंग ट्रेवलिंग चलती है इसके अलावा क्या करते हैं इसके अलावा मैं रिसर्चर हूँ और मैं जॉब करती हूँ एज एन एग्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वर बहुत अच्छा है मेरे को कुछ समझ नहीं आया क्या होता है मौसम विभाग मौसम विभाग अच्छा वो बताती दीजिए तापमान कितना रहेगा कितना ताप नहीं तापमान कितना रहेगा बट विद द हाँ। विद द लाइनिंग ऑफ एग्रीकल्चर कि खेतीबाड़ी खेती कर रहे हो हाँ। तो तापमान से आपकी फसल पे क्या असर पड़ेगा क्या मेजर्स आप ले सकते हो मेरे को एक बात दो बारिश का बड़ी जमा बड़ी गर्मी लग रही है पक्का ना या फिर बीप्रक का यार हसाना पड़ेगा तब जाके बारिश होगी कल पक्का बारिश हो रही है 100% पक्का चलो अच्छा तो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर एंड आप मतलब इंस्पिरेशन तो वही बहुत सारी लड़कियों के लिए ट्रैवलिंग करती हैं जैसे कि इन्होंने भी कहा ना कि पहले शायद से नजरें पड़ती थी लोग देखते थे कि लड़की बाइक चला रही है अब लड़क मतलब सबके लिए नॉर्मल हो गया लड़की बाइक चलाएगी तो उसमें क्या ही बड़ी बात है थैंक यू सो मच बकलोल टी से जुड़ने के लिए फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ फॉर नाउ यू की वॉचिंग द बकलोल टी SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com